नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कष्ट चल रहा है, कहीं दोस्तों कुछ लोग आपको तबाह करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आज की इस जानकारी को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। इन खास बातों को आप मजाक समझने की भूल मत करिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को ये बड़ी खुशियां नहीं मिलेंगी। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और हम ये भी बताने वाले हैं कि ये संतंत्र शक्तियों का आशीर्वाद कैसे आप पर मिलने वाला है। दोस्तों, आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में कुछ खास उपलब्धियाँ आपको मिलने वाली हैं, इसलिए आप लोगों को संभल कर चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपको तरक्की होने वाली है। बहुत खास वीडियो होने वाली है, एक एक बात समस्त ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से हमने आप सभी के लिए विशेष वीडियो का निर्माण किया है। तो इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि बिल्कुल अंत में बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय शिव शंकर, जय माता दी जरूर लिखिएगा। जो बातें आपके जीवन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सजीवन बूटी के समान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर रहे हैं। जो दोस्तों, आपके जीवन में पैसे का एक गंदा खेल शुरू होने वाला है, इसलिए आप लोगों को संभल कर रहना चाहिए, तभी भोले भंडारी की कृपा दृष्टि आप लोगों को मिलेगी। इस समय के भीतर आपकी जिंदगी में वह और बड़े चमत्कार होने वाले हैं और आपकी जिंदगी में अब आप लोग जिस भी चीज की इच्छा करेंगे वह आपको मिलने वाली है। बस हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और जिस चीज को सुनने की आप इच्छा कर रहे थे वह अब आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी आप लोगों की झोली में एक नई खुशखबरी गिरने वाली है, इसलिए आप आज की इस वीडियो को सावधानी के साथ में देखिएगा। दोस्तों, तो ऐसे में आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि अब आपके ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वह बेहद ही खास रहने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधारने वाली है और इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके जीवन में अब चार चांद लगाने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप माता रानी के नाम को लेकर के कोई भी कार्य को शुरू करते हैं, कोई भी कार्य अगर आपने शुरू किया है या फिर दोस्तों आप कोई भी कार्य को करना शुरू करेंगे, उनमें आपको ये समय सफलता अवश्य से मिलेगी। दोस्तों, निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी के नाम को लेकर कोई भी कार्य को करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा लाभ में रहेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी गति से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम इस बात की फुल गारंटी भी देते हैं। दोस्तों, सफलता के नए नए कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे, आप और आप लोगों को हर एक क्षेत्र में कामयाबी मिलने वाली है, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो, आपको नई नई खुशखबरियां मिलने के योग्य बन चुके हैं क्योंकि महालक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धनतेरस और दीपावली बहुत ही करीब है और इस दौरान जिनके भी जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो दोस्तों उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और यह समय आपके कर्म को देखने के बाद ही, आपकी भक्ति को देखने के बाद ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको इस समय अत्यंत लाभदायक देने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अंत होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं हम आप लोगों को यह भी बता दें कि इस सावधानी के तौर पर एक बार आप किसी के भी बात में आकर कोई भी जल्दबाजी ना ले। दोस्तों, सोच समझ के ही आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों बता दें, कहीं पर भी अगर आप फैसला ले, अन्यथा आप किसी बड़े गड्ढे में फंस सकते हैं, ऐसा ग्रहण के संकेत है। इसीलिए आपको सावधान भी अवश्य से रहना है, तथा अगर आप अपने ऊपर गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी जी की कृपा को अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रदान कर दें और उसके बाद ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माता दी, जय महालक्ष्मी तथा थैंक यू गुरु जी भी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे तथा माता महालक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़रूर लिखिएगा
और वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों राशिफल से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ समय से आप अपने दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव का आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से काफ़ी राहत मिलेगी तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप लोगों के जीवन में भी नए परिवर्तनों के कारण आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। यह आपका कार्य काफ़ी हद तक सफल रहेगा। व्यर्थ की मौज मस्तियों में दोस्तों थोड़ा सा बच कर रहें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना ना करें, कोई पैतृक मसला भी उठ सकता है। दोस्तों गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगी और हाँ, गतिविधियां आपकी काफ़ी बेहतर रहेंगी, ज़्यादातर कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे, मेहनत के मुताबिक फ़ायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों का काम भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, अधिकारियों का दबाव रहेगा तथा घर का वातावरण भी सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है और इसके साथ ही में दोस्तों दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से थोड़ा सा दूर रहें, मेडिटेशन अवश्य करें तथा आज सारे कार्य तेजी से आप कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोरी नहीं है, तब तक दोस्तों इसके बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ में ना करें और दोस्तों दिन भर प्रफुल्लता और ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त और कुछ जानकारियां आप हासिल करने में समय व्यतीत कर सकते हैं। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेगी। कहीं फंसा हुआ पैसा भी आज वापस मिल सकता है तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहें। दोस्तों कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं, हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें तथा आप अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। इसी के साथ दोस्तों इन बातों का भी ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। दोस्तों इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देंगी तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मान हानि की स्थिति बन सकती है या आपके सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें, पहले अपने सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑन ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कला, ग्लैमर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े हुए व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में भी ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरा रह सकते हैं। दोस्तों शनिदेव की भी कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। यकीन मानिए कि अब आप लोग को अपना कार्य शांति पूर्व तरीके से करना है। जिंदगी में उलझने तो आएंगी, लेकिन उलझनों के तहत दबना नहीं है, उन उलझनों के तहत आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों उलझने आपको परेशान भी कर सकती है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप सावधानी से सुनिएगा हमारी इस जानकारी को। दोस्तों इन सभी अवसरों को आप अपने हाथों से बिल्कुल भी ना जाने दें, उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। दोस्तों इस समय आपको अपने करियर में विकास करने के लिए आपको आपके कौशल में वृद्धि के साथ साथ कई मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ सकता है और साथ ही आप निर्णय लेने में भी कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस समय दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य केंद्र बन सकता है।
दोस्तों समय समय पर अन्य खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इसी के साथ ही गलतफहमी आप प्रिय हालात खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांचना आवश्यक है। जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। एक बेहतरीन चार्म के लिए रिश्तेदार दोस्त खर आ सकते हैं। दोस्तों खुश मिजाज रहें, प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए कुछ तैयार रहें। जो काम आप कर चुके हैं उसके चलते आज आपको पहचान मिल सकती है। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचे जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन कुछ रुक सकती है। इसीलिए दोस्तों वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ इस बात को आप इस समय बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि यह समय सेहत के लिहाज से आप लोगों के लिए आत्मचिंतन करने के लिए कई सारे अवसर दे सकता है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के 12वें घर में स्थित होने के परिणाम स्वरूप संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं या फिर विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल अवश्य से कर लें। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं वह इस समय आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे कुछ चिढ़ सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।